नी रेसिडेंसी। और देखिए यहाँ पे राइट साइड में दे आर स्टैंडिंग, और यहाँ से अंदर जाएंगे। बाइक जाएगा क्या? हाँ, बाहर जाने को रास्ता है क्या? तो आपको मालूम है अपने चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज कौन से व्लॉग को मिले हैं? मैं आपको बताता हूं कि 53,200 व्यूज आए हैं अपने एक व्लॉग को, जो था कि गूगल मैप्स एक्सीडेंटली लैंडेड मी इन द रेड लाइट एरिया। तो वो वाले व्लॉग से मुझे अप्रोक्सीमेटली 400 न्यू सब्सक्राइबर्स मिले हैं एंड दे आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली ऑन यूट्यूब। तो गाइज आपको हैरानी होगी कि मुझे ओल्ड एंड न्यू सब्सक्राइबर्स दोनों में से एक मिक्स रिएक्शन मिला। उसमें सबसे बेस्ट रिएक्शन तो मुझे उन्होंने दिया जिन्होंने ये व्लॉग को एंड तक देखा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपके पास तो CBR 1000 भी था, तो आप वहाँ पे CBR 1000 क्यों नहीं लेके गए शूट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि दैट्स अ एक्सीडेंटली शॉट व्लॉग वीडियो, तो मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं वहाँ पे जाके ऐसा कोई व्लॉग शूट करूँ, बिकॉज दैट्स अ रेड लाइट एरिया एंड आई टोटली रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग देयर एंड अबाउट द प्लेस, सो नो ऑफेंस टू एनीवन। तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट पर्पज, कि आप लोगों ने वो व्लॉग को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है एंड मुझे रिक्वेस्ट भी किया है कि आप हमारे लिए आपकी CBR 1000 लेके जाओ और वहाँ पे उनका रिएक्शन कैप्चर करो। तो मुझे तो 6 महीने लग गए कि भाई मैं ऐसा कैसे करूँ, बट आज मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं फाइनली ऐसा प्लान किया है कि वो व्लॉग मैं शूट करूँगा आप लोगों के लिए ही। तो आप लोग जो हो उनका जो फीडबैक है और रिक्वेस्ट है वो सर आँखों पर, तो मैं आप लोग के लिए वो व्लॉग ज़रूर लेके आऊँगा, आज बनाने जाने वाला हूँ मैं। तो बिना देरी करते चलते हैं अपने व्लॉग के तरफ। लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये वाला व्लॉग एंड तक देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, और डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना अगर आप चैनल पे नए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अपनी फायर ब्लेड है यहाँ पे और मैं एक्चुअल में काफ़ी डरा हुआ हूँ अभी कि एग्जैक्टली ये व्लॉग कैसे बनेगा, बिकॉज ऐसे मैं कभी ऐसे प्लेस पे गया नहीं हूँ जो एक रेड लाइट है, और ये सब चीज़ें जो है आपके स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर ही की जा रही है। और ये जो लेन है, दिस इज़ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द रेड लाइट एरिया। यहाँ से अगर आप सीधे सीधे जाओगे सो यू विल फाइंड दैट प्लेस, और वहाँ से आगे आएगा अपना घाटकोपर स्टेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक होटल भी है, मैं उसका नाम भी बताता हूँ आपको, दैट इज़ चांदनी रेसिडेंसी। और देखिए यहाँ पे राइट साइड में दे आर स्टैंडिंग, और यहाँ से अंदर जाएंगे तो वो वाला एरिया है। तो मैं अंदर तो एक बार जाके ही आऊँगा कि एग्जैक्टली क्या है कैसा है, डालना तो था ही। देखिए यहाँ पे भी सब बैठे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, बाइक साइड में लगा के थोड़ा एक्टिंग कर लूँगा, बिकॉज़ ऐसा सही नहीं रहेगा कि अगर मैं कुछ ऐसे करूं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। लेट मी जस्ट डू सम, इतना एम्बैरेसिंग हो रहा है मेरे लिए, माय गॉड। कुछ ना कुछ तो टाइम पास ही करना पड़ेगा अभी यहाँ पे। और मैं पूछता हूँ ऐसे, बाहर जाने को रास्ता नहीं है यहाँ पे? कहाँ से, यहाँ से बाइक जाएगा क्या? हाँ, बाहर जाने को रास्ता है क्या? अरे बाहर जाने को रास्ता है क्या? यहाँ पे बाइक से जा सकते? बंद है, पर जाने को रास्ता है क्या? बाहर जाने का था। हाँ ये रॉन्ग हो गया क्या?
यहाँ से जा सक नहीं नहीं पर यहाँ से जाएगा क्या गाड़ी? नहीं तो पीछे से। ठीक है ठीक है। तुम बाजू हो जाओ। सो दिस इज वेरी एम्बेरसिंग कि यहाँ पे आना पड़ा है आप लोगों के लिए। सो गाइज ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करना कंटेंट को। सो गाइज मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है यहाँ पे आने का और इन सबको रिकॉर्ड भी मैं कर रहा हूँ। सो गाइज जितना हो सके आपका जो रिक्वेस्ट था वो पूरा किया है मैंने। इससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा मेरे से। ठीक है गाइस। सो अभी देखिए मैंने आपको एग्जैक्टली वो वाले लेन में जाके दिखाया है अपने सुपर बाइक पे। आई हैव टू रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल हु स्टे देयर एंड द एरिया। इसके लिए मैंने कुछ और नहीं किया वहाँ पे, जैसे कि गाड़ी को रेव एंड ऑल। सो बहुत मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली कि मैं क्या बताऊं। और इसमें तो ये अपना घाटकोपर स्टेशन है जो एग्जैक्टली उसके बाहर आता है और यहाँ से ही अपना सब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मुझे पब्लिक रिएक्शन मिलने लग गया है तो कभी तो पब्लिक रिएक्शन शूट करना रहेगा तो यहाँ जरूर आऊंगा मैं अभी। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया है। आप ही का सजेशन था तो मैंने वो वाला ब्लॉग आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। तो ऐसे सजेशंस देते रहिए अपने भाई को और अप्रिशिएट करते रहिए कंटेंट। और ये वाले ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। फर्स्ट टाइम एक सुपर बाइक ऐसे प्लेस पे गई है एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। बट एट द सेम टाइम मुझे ये वाला ब्लॉग बनाने के टाइम इतना डर लग रहा था, मुझे ही मालूम है मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। बट नेवरदलेस ब्लॉग है, एंटरटेनमेंट है तो ये तो चलेगा ही चलेगा। बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से मैं कुछ नया सीख सका और कर पाया। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ और हेलमेट वगैरह पहनना भूलना मत। ओके चलो बाय बाय।